Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. मोहम्मद रफी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक थे। भारतीय उपमहाद्वीप में उन्हें सदी के श्रेष्ठ गायकों में शामिल किया गया है और मोहम्मद रफी अपनी पवित्रता, गानों और देशभक्ति गीतों के लिए जाने जाते हैं। मोहम्मद रफी हाजी अली मोहम्मद के 6 बेटों में से सबसे छोटे थे। असल में उनका परिवार कोटला से था, जो वर्तमान में भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर शहर के पास एक छोटे से गांव में आता है। उनका उपनाम फीको था। अपने स्थानिक गांव कोटला में ही गली में गाने वाले फकीर की आवाज सुनकर ही उन्हें गाने की प्रेरणा मिली थी। 1935 में रफी लाहौर चले गए थे, जहां भट्टी गेट के पास नूर मोहल्ला में वो मेंस सैलून चलाते थे। उनके बड़े भाई मोहम्मद दीन का एक खास दोस्त अब्दुल हामिद था, जिसने राहुल में रफी की प्रतिभा को पहचाना और रफी को गाने गाने के लिए प्रेरित भी किया। इसके बाद 1944 में उन्होंने रफी को मुंबई जाने में सहायता भी की थी। इसके बाद रफी ने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान और फिरोज निजामी से क्लासिकल संगीत सीखा। 13 साल की उम्र में लाहौर में उन्होंने अपना पहला स्टेज शो परफॉर्मेंस किया था। 1941 में रफी ने श्याम सुंदर के नीचे लाहौर में ही प्लेबैक सिंगर के रूप में सोनियनी हीरियनी से पदार्पण किया। इसी साल ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन ने उन्हें गाना गाने के लिए आमंत्रित भी किया था। उन्होंने अपनी पहली फिल्म गांव की गोरी में आज दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी गाना गाया था, जो बाद में हिंदी फिल्म के लिए रफी का रिकॉर्ड किया हुआ पहला गाना बना। इसके बाद मोहम्मद रफी दो फिल्मों में दिखे। 1945 में लैला मजनू में तेरा जलवा जिसने देखा गीत में वो स्क्रीन पर आए। उन्होंने नौशाद के कई गाने गाए। विभाजन के बाद रफी ने भारत में रहने का निर्णय लिया और अपने परिवार को मुंबई लेकर चले आए। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद हुस्नलाल भगतराम राजेंद्र कृष्णा रफी की टीम ने एक गाना सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी बनाया। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने घर में इस गीत को गाने के लिए आमंत्रित किया था। मोहम्मद रफी ने दो विवाह किए थे। उन्होंने पहली शादी बशीरा से की थी और फिर अपने प्राचीन गांव में रहने लगे। उनका विवाह तब मुड़ा जब उनकी पहली पत्नी ने भारत में रहने से इनकार कर दिया था। रफी के 4 बेटे और 3 बेटियां हैं, जिनमें उनका बेटा सईद उनके पहले विवाह से हुआ था। 31 जुलाई 1980 को रात को 10:25 के आसपास रफी साहब की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपना अंतिम गाना आसपास फिल्म के लिए गाया था, जिसे उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ रिकॉर्ड किया था। मोहम्मद रफी का अंतिम संस्कार जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में किया गया था। कहा जाता है कि ये मुंबई का एक विशाल अंतिम संस्कार बना, जिसमें तकरीबन 10,000 लोग उपस्थित थे। उस दिन बारिश होने के बावजूद उनको सम्मान देते हुए भारत सरकार ने 2 दिन राष्ट्रीय छुट्टी भी घोषित की थी। मोहम्मद रफी के फैंस हर साल उनकी बर्थ और डेथ एनिवर्सरी मनाने के लिए मकबरे में आते हैं। मोहम्मद रफी का नाम फिल्म इंडस्ट्री में बेहद ही सम्मान के साथ लिया जाता है। दुनिया उनकी गायकी की दीवानी है। रफी साहब को गुजरे हुए भले ही शायद कई दशक बीत गए हैं, मगर उनके संगीत का असर आज की पीढ़ी तक जिंदा है। लोग रफी साहब के गाने शिद्दत से सुनते हैं। रफी साहब ने हर एक मिजाज के गानों को एक बेहद खूबसूरती से गाया। वो स्वभाव से काफी सरल थे। वो धर्म और मजहब से ऊपर इंसानियत के कद्रदार थे। तभी उन्होंने दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स किए और हर भाषा में गाने गाए। उन्होंने कई सारे भजन भी गाए जो आज भी हमें सुकून से भर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज, प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।